नमस्कार नमस्कार। अच्छा इस वाली रो को छोड़ दीजिए, इनमें तो बहुत करंट है। आप ठंडे लोगों को नमस्कार। अरे ठंडे नहीं है, इधर वाले ठंडे थे, इसका मतलब नमस्कार। अरे ये भी ठंडे, ऊपर वाले ठंडे हैं, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पंकज गुप्ता है और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, मैं थैंकफुल हूँ आप सभी का और मेरे फैमिली का। और ये पहला मौका एक्चुअली 16 नवंबर की उस घटना के बाद जब मैं इतने बड़े मंच पर बोल रहा हूँ। मैं चाहूँगा एक बार खड़े हो जाएं प्लीज़ आप सभी लोग, प्लीज़ एक बार सिर्फ एक मिनट थोड़ी सी देर के लिए। मेरे फादर मुझे ऊपर से देख रहे हैं एंड आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स, हिज ब्लेसिंग्स थ्रू यू। कैन यू प्लीज क्लैप फॉर हिम। थैंक यू पापा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, यू कैन सिट डाउन प्लीज, आप बैठ सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक पिन जो बहुत महत्वपूर्ण है फॉरएवर की दुनिया में मिला और मैं भूल गया थोड़ी देर के लिए कि मेरा पार्ट भी है। मैं नीचे चला गया और यकीन मानिए उस सीढ़ी से और मुझे यहां तक भी जाने नहीं दिया गया। मुझे लोगों ने कहा सर फोटोग्राफ प्लीज, सर फोटोग्राफ प्लीज, सर एक फोटो मेरे साथ भी। क्या ये सिर्फ पंकज गुप्ता के लिए रिजर्व है सर, ऐसा कुछ है क्या? ये फोटोग्राफी सेशन इस तरह का पंकज गुप्ता के रिजर्व है, सबके लिए है सर। दिस इज ओपन फॉर ऑल, दिस इज ओपन फॉर यू ऑल्सो, ये आपके लिए भी है। और यही फॉरएवर की खूबी है कि एक आम आदमी को खास बना सकती है। आप में से कितने लोग खास बनना चाहते हैं? अभी पुनीत ने बोला था कि 95% और 5%, क्या 95% में लेकर के जिंदगी गुजार देनी है हमें? हाँ या ना? नो। यू नो दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको, हमारे यहाँ एक दैनिक जागरण करके अखबार आता है, मुझे उसका एडवर्टीजमेंट बड़ा प्यारा लगा था। मैं बहुत छोटा था, मैं शायद उस समय 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, वो एडवर्टीजमेंट मैंने तब देखा था। मैं आपके सामने वो एडवर्टीजमेंट दोबारा सुनाना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपको विरासत में क्या मिला है, फर्क इस बात से पड़ता है कि विरासत में आप क्या छोड़ करके जाने वाले हो। क्या वाकई आप वही छोड़ने वाले हो जो आज आपके पास है, या वाकई एक लीगेसी आप अपनी फैमिली को देकर के जाने वाले हो, ये आपको डिसाइड करना है। आप तैयार हैं उसके लिए? आप तैयार हैं उसके लिए? ओके मैं कुछ चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। उस चर्चा में मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरएवर एक आम आदमी को क्या दे सकता है और फॉरएवर ने मुझे क्या दिया है। यहां जब मैं ये बात कहता हूं कि फॉरएवर ने मुझे क्या दिया है का मतलब मैं भी फॉरएवर में एक आम आदमी हूं। और जब मैं आम आदमी की तरह से सन 2004, और मुझे बताते बड़ा फख्र होता है, ठीक आज ही के दिन 12 साल पहले मैंने फॉरएवर में इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज पूरे 12 साल पहले 18 दिसंबर 2004 मेरी जिंदगी में फॉरएवर का फॉर्म मैंने साइन किया था, 2 CC पूरे किए थे। एंड इस पिछले 12 साल में फॉरएवर ने मुझे क्या दिया है मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। ओप्स, हेल्दी फैमिली, फॉरएवर की बदौलत मुझे हेल्दी फैमिली मिली, मेरे को मिला स्वस्थ परिवार। आज मेरे परिवार में, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया मेरे फादर की डेथ हुई 16th ऑफ नवंबर 2016 को, लास्ट मंथ। मैं भी सर को भी बता रहा था, डॉक्टर्स ने 2004 मेरे फॉरएवर शुरू करने से पहले उनको उनके लिए कहना शुरू कर दिया था कि इनकी जिंदगी में गिने चुने दिन बचे हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू फॉरएवर 12 साल बाद, अभी हाल ही में 16 नवंबर को जब उनकी डेथ हुई तो मुझे बड़ा झटका लगा क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे और ऑल ऑफ सडन वो मुझे छोड़कर चले गए। यानी 12 साल वो बिल्कुल ठीक अपनी उन्होंने जिंदगी गुजारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे फैमिली के 9 मेंबर्स, हम सब लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में फॉरएवर ठीक उसी तरह से इस्तेमाल होता है जिस तरह से आपके घर में पानी इस्तेमाल होता है, बिलीव मी। एंड थैंक्स टू फॉरएवर आज मेरा परिवार स्वस्थ परिवार है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि मेरा परिवार स्वस्थ परिवार है। आप में से कितने लोगों को स्वस्थ परिवार चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे मोदी जी याद आ गए दरअसल। हैप्पी फैमिली, फॉरएवर की बदौलत मुझे मिला है खुशहाल परिवार। जानते हैं ज्यादातर परिवारों में जो समस्याएं होती हैं उसका कारण क्या होता है जी? पैसा। क्यों पैसा? पैसा। और फॉरएवर की बदौलत
मुझे खूब सारा पैसा कमाने का मौका मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं मेरे घर में मेरे परिवार के सभी सदस्यों को घुमा फिरा सकता था, मैं मेरे परिवार को अच्छी, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता था, हर वो सुख सुविधा मैं रख सकता था जो एक आम आदमी के जिंदगी में सिर्फ सपना भर होती है। कितने लोगों को एक हैप्पी फैमिली चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी, नहीं यार मुझे टेंसिव फैमिली, मुझे ना मेरी परिवार के लोग, जब तक यू नो थोड़ा सा देशी भाषा बोलने वाला था, जब तक मेरे परिवार के लोग मुझे पिंच नहीं करते ना, तब तक मुझे मजा नहीं आता। ऐसे भी कुछ बैठे हैं क्या? सबको हैप्पी फैमिली चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके, फॉरएवर की बदौलत मुझे मिला हैप्पी फैमिली, और साथ ही साथ मुझे मिला फॉरएवर की बदौलत खूब सारा पैसा। मैंने जब फॉरएवर की शुरुआत की सन 2004 में, तो मेरा पहला चेक 471 रुपए का था, और इस बिजनेस को पिछले 12 साल में बहुत थोड़ा थोड़ा समय देकर के मैंने किया। उसके पीछे कारण क्या, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। उस 12 साल के पीरियड में फॉरएवर की बदौलत लगभग 3 करोड़ रुपए मैंने फॉरएवर से कमा लिए, पार्ट टाइम, थोड़ा थोड़ा समय देकर के। कितने लोगों को ऐसा पैसा चाहिए? एक ऐसा पैसा, गुड मनी, यहां पर शब्द लिखा है गुड मनी, गौर से सुनिएगा, बिग नहीं लिखा है, गुड। पैसा दो तरह से कमाते हो आप, एक किसी का दिल दुखाकर और एक दूसरे की दुआएं लेकर। कौन सा पैसा अच्छा पैसा? फॉरएवर का पैसा इसलिए अच्छा पैसा क्योंकि यहां पर आप लोगों की दुआएं कमाते हो, तब जब आप लोगों के घर में खुशहाली लाते हो पैसे कमवाकर, और तब जबकि आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिलवाते हो इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो इसलिए फॉरएवर का पैसा अच्छा पैसा, और मुझे फॉरएवर की बदौलत 3 करोड़ रुपए के रूप में अच्छा पैसा अभी तक मिल चुका है। इज दिस गुड? फॉरएवर से मुझे मिला फ्रीडम। कितने लोगों को फ्रीडम चाहिए? देखिए, शादीशुदा लोग किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, मैं बात कर रहा हूं फ्रीडम की, ऐसे फ्रीडम की जिसमें कि आपको आजादी हो अपनी इच्छा से, अपने समय अनुसार जो आपकी सुविधा है उसके अनुसार काम करने की। मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ, देन उसके पश्चात मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, और अब पिछले करीब करीब 23.5 साल से मैं जॉब कर रहा था कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में एज एन इंस्पेक्टर। ये था, मैंने इसलिए बोला क्योंकि 12 जनवरी 2017 से थैंक्स टू फॉरएवर मुझे वो फ्रीडम मिला कि मैं अपने इस बिजनेस को, अपने परिवार को ज्यादा समय दे सकता हूं, फ्री बर्ड के रूप में उड़ सकता हूं, फ्री ईगल की तरह से पूरी दुनिया में उड़ सकता हूं। कितने लोगों को ऐसा फ्रीडम चाहिए? बड़े कम लोगों को चाहिए। आवाज से बताऊं, दिखाई कम दे रहा है, मेरे चश्मे का नंबर, एक्चुअली आज मेरे चश्मे का नंबर गड़बड़ है थोड़ा, तो आपको आवाज से बताना पड़ेगा। जब मैं आपसे बोलूंगा ना तो आपको थोड़ा आवाज से बताना पड़ेगा। मैं गलती कर रहा था, मैं पहचान नहीं पा रहा, मैं थोड़ा, 2-3 लोग आगे वाले हाथ उठा रहे हैं, अब मुझे समझ में आया कारण भी। ओके भैया, फॉरएवर से मिला मुझे खुश रहने का मौका, फन, एंजॉयमेंट, ट्रेवल करने का मौका। मैं फॉरएवर की बदौलत पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई कोना ऐसा बचाओ जिसको मुझे फॉरएवर ने ना घुमवा दिया हो। और हिंदुस्तान की क्यों बात करते हो साहब, मुझे दुनिया के 15 खूबसूरत लोकेशंस पर फॉरएवर ले जा चुकी है। क्या मैं मेरे जॉब में रहते हुए हिंदुस्तान से बाहर थाईलैंड के अलावा कहीं जाने की सोच सकता था? थाईलैंड इज द इजीएस्ट प्लेस टू गो, है ना? लेकिन क्या थाईलैंड के अलावा एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति विदेश जाने की वो भी 15 बार सोच सकता है? कितने लोगों को चाहिए ऐसा फन और ऐसा ट्रेवल करने का मौका? हल्ले से बजाओ, तेजी से मजा करके। ओके, फॉरएवर से मुझे मिली सिक्योरिटी। व्हाट इज दैट दोस्तों? फॉरएवर के बिजनेस की खूबी देखिए, मैं इस बात का ऐलान कर सकता हूं, बेफिक्र होकर के कर सकता हूं कि मैं पंकज गुप्ता अगर आज किसी कारण से इसके इसी समय मेरे को ऊपर वाला अपने पास बुला ले, तो मेरा बेटा प्रखर गुप्ता उसी जगह से काम करना शुरू करेगा जो लेवल मुझे आज मिला है। एम आई राइट सर? क्या इससे बड़ी सिक्योरिटी कुछ हो सकती है? मैं फॉरएवर के लिए हमेशा कहा करता हूं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कितने लोग ऐसी सिक्योरिटी चाहिए? थोड़ा आवाज से बताओ। और फॉरएवर से मुझे मिले फ्रेंड्स। आज मैं हिंदुस्तान में किसी भी जगह पर जाऊं, मुझे जरूरत नहीं है, यकीन मानिए, एक होटल में रूम लेने की, बिलीव मी। मेरे इतने दोस्त हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में,
और मैं हिंदुस्तान की ही बात नहीं करता, मैं पूरी दुनिया में न जाने कितने सारे दोस्त आज फॉरएवर की बदौलत बन चुके हैं। एक तो साइकिल, एक सोशल सर्किल ऐसा होता है जिसमें कि लोग आपसे हाय हेलो करते हैं, लेकिन फॉरएवर में आपका सोशल सर्किल ऐसा बढ़ता है कि आपकी आत्मीयता लोगों से बढ़ती है, क्योंकि यहां पर जो आप रिश्ता बनाते हैं अपनी टीम्स के साथ, अपनी क्रॉस लाइंस के साथ, वो सिर्फ एक मिनट का नहीं होता, वो सिर्फ एक दिन का नहीं होता, वो सिर्फ एक महीने और साल का नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर का होता है। और ये मैं आपसे शुरू में कह चुका हूं, एक्चुअली कितने लोगों को चाहिए रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, कितने लोगों को अच्छा लगता है लोग उनका सम्मान करें, लोग उनका आदर करें, लोग उनको जगह जगह रिकॉग्नाइज कर दे रहे हैं, चाहिए। फॉरएवर से मुझे मिला, मेरे एक दोस्त ने एक बड़ा प्यारा व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था दोस्तों। वो मैसेज था कि जिस दिन आपके सिग्नेचर्स ऑटोग्राफ बन जाएं, उस दिन से आप मान लीजिए कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। और मैं जानता हूं फॉरएवर मुझे भी वो मुकाम देने वाली है। इस हॉल में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, अनिल जग्गी साहब, इनसे पता नहीं कितने सारे लोग कहते हैं ऑटोग्राफ, तो मैं भी लेता हूं इनसे। तो ऑटोग्राफ जब आपसे लोग लेने लगे, इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो गए। तो अब जरूरी नहीं है कि आपको अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर ही बनना है, आप फॉरएवर में मैनेजर बनो, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देंगे। हेलो, कितने लोगों को अच्छा लगता है, इधर वाले लोग, ठंडे लोग, ऊपर वाले लोग। चलिए क्या क्या मिला जरा देखते हैं। ऐसी कहानियां जब मैं सुनता हूं, हमेशा मेरे जहन में ये बात आती है, हमने वो क्या सही किया कि हमें ये जिंदगी मिली, और इन्होंने क्या गलती की कि इनको ये जिंदगी मिली। हो आती है आवाज जो दिल की, वो तू सुन ले, मंजिल है पुकार दी, खुशियों को तू चुन ले। ओ सच होने को
क्या मैंने जितनी भी बातें आपको शुरुआती दौर में 8 अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से, उनमें से कोई भी एक झूठ नजर आई आपको इस वीडियो से? ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन ही ये था एक्चुअली, मैं ये बताना चाहता था कि फॉरएवर में जो स्टेज से बोला जाता है वो अक्षर से है, ऐसा का ऐसा ही होता भी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, बाकी सारे लोग यू नो इट, दैट्स व्हाई फॉरएवर इज द बेस्ट। कितने लोगों को मजा आया इस वीडियो को देख करके? मैं आपको बताऊं साहब, मैं एक छोटे से कुत्ते से भी डरता था, बिलीव मी। डॉग अगर मेरे सामने आता था मैं डरता था, और फॉरएवर की वजह से वो पावर मेरे अंदर आई कि मैं जोहान्सबर्ग में जब गया तो एक घंटे इतने बड़े बड़े दो शेरों के बीच में रहा, एक घंटा लाइव, राइट? ओके, अब मेरा काम क्या है यहां पर? मेरा काम है एक्चुअली आप सबके अंदर एक इमरजेंसी पावर है, उसको याद दिलाना। आप सबके अंदर है, आप जानते हैं या नहीं है? दो तीन ही लोग जानते हैं, बाकी सब लोग जानते हैं? चलो मैं फिर भी याद दिलाता हूं, हो सकता है आप जोश में बोलते, बहुत से लोग जोश में बोलते यस। मैं आपको याद दिलाने के लिए हूं यहां पर, और मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, दुनिया का सबसे तेज धावक है हुसैन बोल्ट, जिसने करीब 9 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ में, सॉरी, जिसने 100 मीटर की दौड़ को 9 मीटर में पूरा कर लिया था। 100 मीटर की दौड़ को 9 सेकंड में पूरा कर लिया था। क्या आप में से कोई इतनी ताकत रखता है उसे हरा दे? हेलो, किसी को नहीं है? और अगर मैं बताऊं है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखो कैसे आप हुसैन बोल्ट बनने वाले हो। अभी इमेजिन करिए, आप अपने काम से थके हारे हैं और शाम के 5 बजे आपको अपने काम से वापस निकलना था, लेकिन आज आपके पास वर्क प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आप 7 बजे निकल रहे हो। 7 बजे आपकी पूरी एनर्जी गॉन, आप सोच भी नहीं सकते, आपके पैर भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं। और जैसे आप अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, बाहर एक पागल कुत्ता ऐसे आपकी तरफ भाग पड़ता है। कितने लोग हैं जो उससे कहेंगे आजा यार,
आज तू काट ले यार, आज तेरी किस्मत अच्छी है यार, मेरी तो खराब है। कोई है जो बैठा हुआ इस समय बोलेगा ऐसा? आप यकीन मानिए उस समय हुसैन बोल्ट के भी बाप बनने वाले हो सब लोग। और ये पावर उस ऊपर वाले ने हर व्यक्ति के अंदर दी है। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया के शायद 5% लोग भी नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं, 3 या 2% लोग हैं एक्चुअली जो उस पावर को पहचान पाए आज तक कि वो पावर उनके अंदर है। क्या आप उस पावर का हिस्सा बनना चाहते हैं? देखो मेरे कहने से यस मत करना। अंतरात्मा, जिसका सर भी जिक्र कर रहे थे, अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए आपकी कि आपको वाकई उस पावर की जरूरत है। जरूरत है, वो आपके अंदर है एक्चुअली, उसको पहचानना शुरू कीजिए। जिस दिन आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यकीन मानिए दुनिया में आने वाली कोई समस्या आपके सामने समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि वो कुत्ता, वो परेशानियां, वो हर वक्त आपके सामने भौंभौ कर रही हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा जिसको परेशानियां फेस ना करनी पड़ती हो? अरे यार चल देख लेंगे, अभी फिलहाल यार आज तो बॉस ने डांटा था, अभी कुछ नहीं। ये परेशानियां हर वक्त आपको परेशान करती हैं, ये आपके सामने भौंकती रहती हैं, और आप अपनी उस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप करने लगे तो आई कैन बैट यू आपकी वो परेशानियां खत्म होने वाली हैं। तैयार हैं आप उसके लिए? और उसको तैयार होने के लिए पंकज गुप्ता, अमरजीत सर या जितने भी लीडर्स को आपने सुना है, सुनने वाले, उनका कोई बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि आपकी सफलता या आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार ना तो फॉरएवर है, ना आपके माता पिता है, ना आपका एजुकेशन सिस्टम है, कोई नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति है। और दुर्भाग्य या सौभाग्य से वो व्यक्ति आपकी सीट पर बैठा है। कौन है आपकी सीट पर बैठा हुआ, पहचानो? अरे तो मैं ही हूं। आपकी सीट पर बैठा व्यक्ति एक्चुअली आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार है। मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। जितनी भी चीजें अभी आपने देखी, सब कुछ आपकी हो सकती हैं, सब कुछ और इससे ज्यादा एक्चुअली। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी समस्या ही यह है लाइफ में कि हम हर समस्या को समस्या मान लेते हैं। यहां पर एक सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमें देखना यह है कि समस्या हम पर हावी हो रही है या हम समस्या पर। जिस दिन हम समस्या पर हावी होने लगेंगे, उस दिन समाधान ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में आ जाएगा, बिलीव मी, ऑटोमेटिकली। दुर्भाग्य से हमारा एनवायरमेंट ऐसा होता है कि हम हमेशा इसी बात पर ज्यादा फोकस करते हैं, यार मैं इसलिए परेशान हूं, मेरे माँ बाप ने ना मुझे ढंग से पढ़ाया नहीं, यार यार मेरे को ना अच्छी तालीम नहीं मिली, मैं गरीब बैकग्राउंड में पैदा हुआ। होता है, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा आज घर जाकर के, अपनी लाइफ में से इन 5 चीजों को जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कूड़े के ढेर में डालना होगा। सबसे पहला, लोग क्या कहेंगे, पंकज गुप्ता इंस्पेक्टर कस्टम्स झोला लेकर के लोगों को प्लान दिखाएगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा इतना बड़ा रुतबा, मेरे साथ 4 लोग मुझे असिस्ट करते हैं, मैं प्लान दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। आपको इसको कूड़े में डालना होगा। ये एक ऐसी गलत फहमी जिसको हर व्यक्ति लबादा ओढ़ करके चलता है, बिलीव मी। इस बात के न्यूज आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर ने स्पेशली लिखा है कि हर व्यक्ति इस बात को कहता है, साहब मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं तो शेयरिंग करता हूं। सुना होगा आपने भी। फैक्ट क्या है, हर व्यक्ति सेल्समैन है इस दुनिया में जब आया है तो। और सबसे बड़ा सेल्समैन जानते कौन होता है, बताएंगे मुझे कोई? सबसे बड़ा सेल्समैन होता है एक नवजात शिशु, सबसे बड़ा सेल्समैन। पता है बेटा तू रोएगा नहीं, तेरी मां दूध पिलाएगी नहीं। एंड ही नोज दिस आर्ट, और इस कला का वो भरपूर फायदा उठाता है और वो अपने बात को मनवा लेता है। सेल्समैन का मतलब क्या है? सेल्समैन का मतलब है आपके विचार अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हो और सामने वाला व्यक्ति उन बातों को मान करके आपकी बात पर सहमति दर्शा दे। ये है सेल्समैनशिप, कुछ और नहीं है। आप इमेजिन कीजिए जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कहते हो, साहब मैं तो बहुत ही बकवास क्लास का स्टूडेंट था, आपके पास मार्कशीट है 3rd डिवीजन की, तो क्या आप ये कहोगे, साहब सॉरी मैं ना मैं 3rd डिवीजन का स्टूडेंट हूं, मुझे मत रखना, ऐसा कहोगे आप?
सर वो थर्ड डिवीजन की डिग्री को छोड़ो, मैं आपको काबिल बनकर दिखाऊंगा, इस बात की गारंटी से कह रहा हूं। मेरे पास और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने यहां आया एक्सपीरियंस लिया हुआ है। कहोगे या नहीं कहोगे? बैंक में लोन लेते समय, आजकल वैसे मिलना थोड़ा कम हो रहा है, बैंक में लोन लेते समय क्या आप सेल्समैनशिप नहीं करते हो? क्या उस समय आप ये लिखते हो साहब सॉरी मेरे पास बैंक का लोन लेने के लिए जो आप बातें पूछ रहे हो वाकई है ही नहीं? मैं आपको बताऊं, मैंने कई सारे लोगों की बैंक एप्लीकेशन देखी लोन लेते समय, उनके घर में एक एक किलो गोल्ड है, बिलीव मी। तो क्या आप झूठ लिखते हो उस समय या सच लिखते हो या क्या सोचते हो? आप उस समय एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को। जितना बेस्ट रिप्रेजेंट करोगे उतना ही ज्यादा अच्छी आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, हाँ या ना? तब तो आप नहीं कहते और बैंक वाला क्या कहेगा। जिस समय आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो, आपका बच्चा बड़ा नॉटी है, हर वक्त कागज फाड़ता रहता है, हर वक्त शैतानी करता रहता है, टीचर कहती है इंटरव्यू लेते समय, मैम ये बताइए ये बच्चा जो है ना ये नॉटी तो नहीं है, शैतान? अरे नहीं नहीं मैडम, इसे तो चार बार कहना पड़ता है, बेटा बोलो तब तो बोलता है, ये तो बड़ा शांत है, ऐसे ही होता है? नहीं होता है। ये सेल्समैनशिप है साहब, आप करते हो। और जब आपकी शादी हुई थी याद करो वो पल, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। मैं दावे से कह रहा हूं जो व्यक्ति ये कह रहा होगा ना वो इस ऑडिटोरियम की छत पे नहीं जा सकता। अब वो कह रहा है साहब मैं तेरे लिए, क्योंकि बेटा पता अगर चांद तारे तोड़ने वाली बात नहीं करी तो एप्लीकेशन किसी और ने भी लगा रखी थी, राइट? सो वी सेल एवरीथिंग आर सेल्फ। डरो मत इस बात से कि आपको लोग क्या कहेंगे। किशोर ने गाना बनाया था साहब, बोला था, सॉरी क्या था वो गाना, मेरा गला खराब है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। छोड़ो यार, हो यू नो यार, मैंने देखा है अनिल जग्गी आए कितने स्मार्ट हैं, वो ऊपर पीछे दो स्टेज पे स्पीकर्स बोल रहे हैं, संदीप जिंदल आशुतोष पांडे कितने स्मार्ट, क्या वाकपट है। मैं बोल भी नहीं सकता भाई साहब, मुझसे होता होने का नहीं है ये। आपको इसको कूड़े में डालकर फेंकना होगा, यकीन मानिए फॉरएवर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब पे जाकर के बिजनेस टेस्टिमनीज उठाइए एंड यू विल फाइंड कि वहां पर हर क्लास का बंदा फॉरएवर कर रहा है। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति भी जिसका घर हर साल जिस गांव में वो रहता था बाढ़ में बह जाता था, और वहां पर वो व्यक्ति भी आपको मिलेगा अपनी टेस्टिमनी देता हुआ जिसका अपना एक अच्छा चलता चलाया बिजनेस है। आपको वहां पर वो व्यक्ति भी मिलेगा जो ऑलरेडी 20 लाख रुपए महीना साल के पैकेज पर था फॉरएवर में आने से पहले। आपसे क्यों नहीं होगा साहब? या तो वो स्पेशल है या आप, एक्सक्यूज मी, होगा या नहीं होगा? तीसरी चीज जो आपको डालनी है कूड़े के डिब्बे में, साहब हम मूड से बड़ा काम करते हैं, मूड अच्छा होना चाहिए भाई। आज यार मूड नहीं, आज बॉस ने डाल दिया यार, आज पार्ट टाइम काम करो भाई, आज तो घर में भाई मूड नहीं है भाई आज। यकीन मानिए साहब, मूड वाले लोगों को सफलता नहीं मिलती, शौक पूरे कर सकते हैं वो सिर्फ। जो लोग मूड पर काम करते हैं वो अपने शौक पूरे कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं आप साहब? बड़ा पैसा कमाया साहब, बहुत नाम कमाया, हाँ या ना? किस चीज में कमाया? क्रिकेट में। आप याद कीजिए आपके गली मोहल्ले में आपके एरिया में कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो क्रिकेट खेलता है, याद आ रहा है? अब जरा अंतर देखिए क्या है साहब, ये जो बच्चा है ये गर्मियों की छुट्टी शुरू होते ही क्रिकेट खेलने वाला बन जाता है, संडे को शाम को 5 बजे गर्मियों में मौका निकालता है क्रिकेट खेलने का, सर्दियों में सुबह के समय मौका निकालता है क्रिकेट खेलने का, होता है नहीं होता है? याद आ रहे हैं ऐसे बच्चे? जानते थे इन दोनों में अंतर क्या है? सचिन तेंदुलकर के पास नाम भी है और पैसा भी, और इस गली मोहल्ले वाले बच्चे के पास दोनों में से कुछ भी नहीं। और अंतर जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये गली मोहल्ले वाला बच्चा है ये क्रिकेट को एज ए हॉबी खेल रहा है, और सचिन तेंदुलकर एज ए प्रोफेशन खेलता है। तो प्लीज फॉरएवर को मूड वाला बिजनेस मत बनाइए साहब, इसको एज ए प्रोफेशन कीजिए।
और इसको जब करें आप, तो चौथी चीज और है, मेरे पास मेरी किस्मत खराब है, ये मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं। आपकी किस्मत खराब नहीं है साहब, क्योंकि मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि किस्मत तो उन लोगों की भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। लोग लकीरों पे बड़ा फेम, सर मेरे हाथ की लकीर देख के बताना क्या है, क्या है मेरी किस्मत में। तो यकीन मानिए किस्मत उनकी भी बुलंद होती है जिनके हाथ नहीं होते, और ऐसे आपको ना जाने असंख्य एग्जाम्पल्स यूट्यूब पर आज की डेट में मिल जाएंगे। और मुझे एक लाइन याद आती है कि कर्म क्षेत्र की इस भूमि में ना कर्म सभी को करना है, कर्म क्षेत्र की इस भूमि में कर्म सभी को करना है, रब तो सिर्फ लकीरें देता है साहब, रंग तो हम ही को भरना है, कोई और नहीं भरेगा आपके रंग को, कोई अड़ोसी कोई पड़ोसी कोई रिश्तेदार आपकी जिंदगी में रंग भरने नहीं आएगा आपके अलावा, कोई नहीं आएगा, आपको खुद रंग भरना होगा। राइट, सलाह देने के लिए बहुत आ जाएंगे, अबे क्या कर रहा है फॉरएवर, वो चेन वाला सिस्टम, अबे क्या कर रहा है। आप कभी भी किसी भी अपने दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार अगर किसी को ठहराते हैं, तो आज के बाद वो कोई और नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आप होने चाहिए। और एक चीज और जो आपको फेंकनी है कूड़े के ढेर में, मेरे पास टाइम नहीं है। आज की डेट में साहब ये भी बड़ा एक फैशनेबल स्टेटमेंट हो गया, छोटे से बच्चे से कह दो पानी ला दे, टाइम नहीं है। साहब एक बात बताओ, आज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये तो मैं जानता हूं, जब आप 60 साल के हो जाओगे तो सिर्फ टाइम ही टाइम होगा। हेलो हेलो, आज आपके पास टाइम नहीं है इज ओके, जब आप 60 साल के हो जाओगे आपका टाइम ही टाइम होगा, पर उस टाइम का करोगे क्या सोचो। मेरे पास फॉरएवर में आने से पहले भी टाइम था और आज भी टाइम है। और अब बता दूं मैं आपको, जब मैं 60 साल का हूंगा ना साहब, मैं दुनिया के बीचेस पर रहूंगा, और मेरे ही साथ का शायद वो दोस्त जो आज भी उसी जॉब में है, और मैं सिर्फ एक दोस्त की बात नहीं कह रहा, मानसिकता की बात कह रहा हूं, वो लोग जो इस मानसिकता में रहने वाले हैं वो 60 साल बाद यू नो व्हाट दे आर डूइंग। राइट, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, ये बहाना बना करके कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं फॉरएवर नहीं कर सकता, या टाइम निकालने की शुरुआत करो, क्योंकि अगर आज आपके पास टाइम नहीं है यकीन मानिए जिंदगी में आपके पास किस्मत आने वाली नहीं है, जिंदगी में आपका सफलता आने वाली नहीं है। मैं जल्दी जल्दी कुछ लोगों से मिलवाता हूं आपको। ये वो साहब है जो दुनिया में सबसे सक्सेसफुल, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बास्केटबॉल प्लेयर बने, कैन यू प्लीज क्लिक इट, ओके, माइकल जॉर्डन। जरा पढ़िए क्या लिखा है, सॉरी इतनी जल्दी मत करिए। हाई स्कूल के समय में इस लड़के को वहां जो बास्केटबॉल टीम थी वहां से निकाल दिया गया था, ये कहकर कि तू बकवास खिलाड़ी है, तू फिट नहीं है हमारे काम के लिए। नेक्स्ट प्लीज, इस व्यक्ति को जरूर जानते होंगे आप, दुनिया का सबसे गरीब आदमी है साहब ये। इसकी गरीबियत की बारे में बताऊं, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा कि पिछले 20 साल के अंदर कुल मिलाकर के $240 बिलियन ये व्यक्ति दान में दे चुका है चैरिटी। राइट, और ये कहता है साहब कि मैं यूनिवर्सिटी में कभी नहीं गया पढ़ने के लिए, मेरे यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा, मैं तो यार हाई स्कूल पास हूं, मुझसे ना होने का फॉरएवर। ओके, नेक्स्ट प्लीज, ये है साहब मिस्टर मेसी, दुनिया के सबसे सफलतम अगर बोलूं तो फुटबॉलर। और ये देखिए क्या करते थे साहब, ये अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, फुटबॉल की ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए चाय बेचा करते थे, चाय वाले की एक बात बाद में भी करेंगे हम, चाय बेचा करते थे साहब ये। ओके साहब, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मुझसे लगता है फॉरएवर नहीं होएगा, और मैं आपको दुनिया के बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके बहाने को बचाने के लिए, आपके जो बहाने करते हो आप। नेक्स्ट प्लीज, आप जरा इन सबके बारे में देखिए, स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल का निर्माण किया, एप्पल कंप्यूटर्स, एप्पल फोन्स, ये साहब जो है अपने दोस्तों के रूम्स में फर्श पर सोया करते थे, और अपने खाने को, खाने की व्यवस्था करने के लिए वहां पर जो कोक की खाली बॉटल होती थी उनको बेचते थे। आपका कबाड़ी आता ना, कबाड़े कबाड़े आता है, ये वो काम किया करते थे, यानी ये भी एक गरीब बैकग्राउंड से थे। नेक्स्ट प्लीज, ये है टॉनी ब्लेयर,
इनके टीचर्स कहा करते थे इनको, ये टोनी ब्लेयर हैं, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके टीचर्स कहते थे कि तू बकवास बच्चा है, तेरे जैसा फेलियर हमारी जिंदगी में कोई नहीं आया भाई, नेक्स्ट प्लीज। ओ हो मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके टीचर्स कहते थे कि भैया तू स्लो है, मेंटली हैंडीकैप्ड है, और इनके बारे में कुछ बात बता दूं आपको, 4 साल तक ये गूंगे थे, एक तरह से बोल नहीं पाते थे, और अपने 7वें साल में ये बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता था। क्या आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को? सब जानते हैं, नहीं जानते हैं? महानतम वैज्ञानिक। नेक्स्ट प्लीज। ये है हैरी पॉटर, हैरी पॉटर नहीं सॉरी मिस्टर मिसेस रोलिंग, इन्होंने बुक लिखी हैरी पॉटर, जिसको 12 अलग अलग पब्लिशर्स ने कहा सॉरी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमारे यहां नहीं बिकेगी, हमारे यहां कोई फायदा नहीं इसको बनवाने का, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है हैरी पॉटर, सबसे ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं हैरी पॉटर की, और सबसे ज्यादा मुनाफा कमा चुकी उस लाइन में लेडी। नेक्स्ट प्लीज। ओ हो अच्छा, कर्नल सैंडर्स जरा प्लीज बैक कर लेंगे, वैसे तो लिखा जा चुका है, मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में बताता हूं। ये 60 साल के थे और बैंकक्रप्ट हो गए 65 साल में, बैंकक्रप्ट हो गए यानी दिवालिया। हमारे हिंदुस्तान में 65 साल का आदमी ज्यादातर केसेस में भगवान भजन करने लगता है, और वो भी उसके पीछे कारण मेरी अपनी रिसर्च बताती है कि शायद ये है कि उसे पता बेटा पटा ले अभी से, ये वो समय जब पटाया जाना चाहिए। तो कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में एक्चुअली क्या कर रहे थे, उन्होंने एक रेसिपी थी उनके पास जो चिकन बनाने की रेसिपी थी, ये पहुंचे एक रेस्टोरों में कि साहब ये चिकन बनाने की रेसिपी है, इससे आपको फायदा होगा, मना कर दिया, 2 को मना कर दिया, 3रे ने मना कर दिया, 10वें ने मना कर दिया, 20वें ने मना कर दिया, 50वें व्यक्ति ने मना कर दिया। अगर आपको 50 लोग मना कर दे फॉरएवर के प्लान को ज्वाइन करने के लिए, क्या आप हां करोगे अगली बार 51वां प्लान दिखाने के लिए? झूठ मत बोलो आप, प्लीज झूठ मत बोलो, आप मना कर दोगे मैं जानता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं एक व्यक्ति का, और ये बताने के लिए दे रहा हूं कि इसको फायदा समझ करके समझिएगा बात को, कि एक व्यक्ति जो 65 साल का है उसको विश्वास है, क्या विश्वास है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 100वें व्यक्ति ने 200वें व्यक्ति ने 500वें व्यक्ति ने 1000वें व्यक्ति ने इसको मना कर दिया, सॉरी हमारे रेस्टो में काम नहीं करेगा, और 1009वें व्यक्ति ने इस व्यक्ति के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वो रेसिपी पसंद की, और आज KFC को आप दुनिया में जानते हो। आपके पास भी दुनिया की बेस्ट रेसिपी है, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दुनिया की बेस्ट रेसिपी है फॉरएवर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेट 1000 पीपल डिनाई यू, फर्क नहीं पड़ता अगर आपको 100 लोग 500 लोग मना करते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा कोहिनूर डायमंड है जो जिसको समझ में आ गया ना, और उसने इस डायमंड को खरीद लिया आपके साथ काम करने की शुरुआत करके, तो यकीन मानिए सिर्फ आप ही नहीं आपकी पीढ़ियां तरने वाली हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये है साहब अब्राहम लिंकन, इनकी तो साहब लिस्ट है, इतनी जगह फेल हुए और 1860 में आते आते प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। नेक्स्ट प्लीज। इस व्यक्ति के पास एक फिल्म थी जिसको आपने देखा होगा, रॉकी, 1500 बार इसको भी उस स्क्रिप्ट को खरीदने से डायरेक्टर से मना कर दिया, 1500 बार, बट स्टिल रॉकी वॉज द सीरीज ऑफ द फिल्म जिसको सबसे ज्यादा देखा जाता है फिल्म जगत में आज भी। नेक्स्ट प्लीज। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे इस बल्ब को बनाने से पहले जिसकी रोशनी में आज आप पढ़ते हो, और जब इनसे पूछा गया कि मिस्टर एडिसन आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने ये नहीं कहा अरे यार मैं तो 10,000 बार फेल हो गया था, इन्होंने कहा मुझे 10,000 ऐसे तरीके पता है जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। ये है सोच। अब थोड़ा इंडियंस की बात कर लेते हैं। अब्दुल कलाम साहब, जोरदार तालियां इनके लिए। पायलट के इंटरव्यू में इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया था, और इन्हें क्या क्या उड़ाया आपको पता होगा, पूरी हिंदुस्तान को प्राउड का मैटर अगर है तो मिस्टर अब्दुल कलाम की वजह से है। आप जितनी भी टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मैन। नेक्स्ट। 8वीं क्लास में फेल हो जाने वाला बच्चा सचिन तेंदुलकर एक जगह स्टेटमेंट में कहता है कि कहां मैं 8वीं क्लास में फेल हो गया था और कहां 10वीं क्लास में मेरे बारे में पढ़ाया जा रहा है आज की डेट में। नेक्स्ट। अमिताभ बच्चन, इन साहब की भारी आवाज की वजह से इनको ऑल इंडिया रेडियो ने मना कर दिया था,
और आज ये सदी के महानायक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। नेक्स्ट, और ये व्यक्ति पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता था। आप गौर से देखिए, नेक्स्ट प्लीज, चाय वाला। गरीब व्यक्ति, और आज पूरी दुनिया को मैं एक बात, मैं देखिए, मैं किसी पार्टी के लेवल से बात नहीं कर रहा हूं, बिलीव मी, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं हिंदुस्तान को आज से पहले, अब से पहले सिर्फ इस बात के रूप में जाना जाता था कि हिंदुस्तान का मार्केट 125 से 30 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन का मार्केट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के मार्केट को यह कहकर के जाना जा रहा है कि यस, हिंदुस्तान में कल्चर आनी शुरू हो गई है, हिंदुस्तान में व्यवस्थाएं आनी शुरू हो गई है। राइट, नेक्स्ट प्लीज। आपको दोस्तों करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है, अपनी सक्सेस के खुद निर्माता आपको बनना है। आपको फोकस करना है अपनी सफलता के लिए, अपने अप्लायंस के साथ बैठिए, और मेरे कहने से मत बैठिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए बैठिए। वो जो परेशानियां कुत्तों के रूप में भौंक रही है आपके पीछे, आपको उनको ध्यान में रखते हुए अपने अप्लायंस के साथ बैठना है। वो जैसे जैसे आपको कहते हैं आपको वैसे वैसे करना है। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? सो आई एम पंकज गुप्ता, आई एम फॉर एवर। थैंक यू वेरी मच।